पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए बोलिए। शब्द स्पर्शादयो विद्या वैचित्र्या जागरे पृथक् ततो विभक्ता तत्संवेदैकरूप्यान्न भिद्यते तथा स्वप्ने अत्र वेद्यन्तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदो अतस्तयो संवेदैकरूपान्न भिद्यते। सुप्तोत्थितस्य सुसुप्त तमोबोधो भविस्मृतिः सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदात्मा। आते हुआ पांचवा श्लोक चल रहा था। एवं अवस्था दे ज्ञानम से एक तो दो अवस्थाओं में जागृत और सपना अवस्था में ज्ञान की जो है एकत्व का एकत्व की सिद्धि करके सुसुप्ति कालीन जो ज्ञान है वह भी जागृत और स्वप्न कालीन ज्ञान के साथ उसकी एकता है, एक ही ज्ञान है तीनों अवस्थाओं में। इसलिए सबसे पहले सुसुप्ति में ज्ञान की सिद्धि के लिए श्लोक आया। सुप्तोत्थित से सुसुप्त तमोबोधो भव स्मृति। जो सो करके उठा हुआ पुरुष है उसको जो सुसुप्त तम का बोध ज्ञान होता है जागृत में आने पर वह स्मृति भवेत। स्मृति भवेत, स्मृति स्मृति मानना उसको ठीक है, स्मृति है वह। और स्मृति कोई भी कैसी होती है? साचा व बुद्ध विषया। स्मृति कभी भी ज्ञात विषयक ही होती है। जिस विषय को आपने जाना है, पहले अनुभव किया है, उसी का स्मरण होता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि सुसुप्ति काल में अज्ञान का अनुभव किया है। अवबुद्धं तत्तदा तमः, उस काल में सुसुप्ति काल में तम यानी अज्ञान का अवबोध ज्ञान हुआ है, बोध हुआ है। इसलिए सुसुप्ति काल में भी ज्ञान है। और जब ज्ञान है तो अभी विषय से भिन्न है, ये सब अगले श्लोक में दिखा देंगे। टीका में दे रहे सुप्तेति पूर्वम सुप्त पश्चात उत्थित सुप्तोत्थित। समाज तो बता ही दिया था, पूर्व काल एक सर्वजरत पुराण नव केवल समानाधिकरणे। इस सूत्र से समास हो गया। पूर्वम सुप्त पश्चात उत्थित, पहले सोया हुआ था बाद में उठ गया, ये सुप्तोत्थित हो गया। अथवा एक दूसरे प्रकार से पंचमी तत्पुरुष समास भी ले सकते हैं। सुप्तम यानी सुप्तम सुसुप्ति, भाव अर्थ में क्त प्रत्यय, नपुंसके भाविक्त। तो सुप्तम यानी सुसुप्ति अवस्था और तस्माद उत्थित, सुसुप्ति अवस्था से जो उठा हुआ है वह पुरुष वह सुप्तोत्थित हो गया, सो करके जो उठने वाला पुरुष। तो इति वा, इस तरह से भी ऐसा भी अर्थ कर से। तो तस्य सुसुप्त तमो बोधा, वो जो सो करके उठा हुआ पुरुष है उसको सुसुप्ति कालीन जो तम यानी अज्ञान का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। सुसुप्ति कालीन से तमसो अज्ञान से यो बोधो, बोधो यानी ज्ञानम, ज्ञानम अस्ति जो हो रहा है। क्या ज्ञान हो रहा है जागृत में आने पर? क्या बोलता है? न किंचित अवेदिसम, मैंने कुछ नहीं जाना। ये जो अज्ञान का अज्ञान विषयक बोध है, मैंने कुछ नहीं जाना, अज्ञान को बता रहा है। इति सा स्मृति रेव भवत, वह जो ज्ञान है अज्ञान का ज्ञान वह स्मरणात्मक ज्ञान ही मानना पड़ चाहिए। न अनुभव, अनुभव भी नहीं, अनुभव नहीं कर सकते। ये टिप्पणी तो दिए है लेकिन टिप्पणी जो है ये प्रतिकूल दे दिए। टिप्पणी वार्तिक न सुसुप्त अभिज्ञानम न ज्ञासीसम इति स्मृति कालाद्य व्यवधानत्वात् न ही आत्मत्वम आत्मस्थम अतीत भाग। ये जो टिप्पणी दिए है वो थोड़ा अनुकूल नहीं दिए है। ये तो वहाँ तो पूर्व पक्ष को लेकर के आया है वार्तिक में,
एक पक्ष है कि सुषुप्ति में होने वाला जो ज्ञान है हाँ वह अज्ञाशीसम, इस तरह से सुषुप्ति का जो विज्ञान बता रहा है वह स्मृति नहीं है, वह स्मृति नहीं। क्यों स्मृति नहीं है? बोले कालाद्य अव्यवधानत्वात्, कालादि का व्यवधान नहीं है। क्या पहले था? जैसे वह मेरी माता थी, वह मेरी माता थी, अभी नहीं है, स्मरण अन्य पहले अनुभव किया था, अभी स्मरण कर रहा है। लेकिन क्या जागृत काल में अज्ञान नहीं है? सुषुप्ति में अज्ञान था, अभी अज्ञान नहीं है क्या? अभी भी अज्ञान है। तो अभी जब अज्ञान है वर्तमान में तो उसको स्मरण कैसे कहोगे? इस तरह का एक पक्ष वार्तिक में दिखाए हैं। इसलिए कालाद्य व्यवधानत्वात् नहि आत्मस्थ नहि आत्मस्थम अतीत भाग, जो आत्मा में अभी स्थित है, अज्ञान तो अभी भी है, अतीत भाग कैसे कहोगे? पहले था अभी नहीं है क्या? तो इसलिए वो स्मरण नहीं, ऐसा एक पक्ष दिखाए है। तो लेकिन मुख्य यही कि न किंचित अवेदिसम, यह स्मरण है क्योंकि वहाँ पे अनुभव किया है, उसका स्मरण करते हैं जागृत काल में कि मैंने कुछ नहीं जाना। तो ना अनुभव होगा, नहीं वो क्या क्या वो क्या कह रहा है वो पक्ष है कि वह स्मरण नहीं है। सुषुप्ति में जो अज्ञाशीसम ऐसे सुषुप्ति में होने वाला विज्ञान, उसको अज्ञाशीसम ऐसे करके जो बोल रहा है ना अज्ञाशीसम, मैंने कुछ नहीं जाना, वह स्मरण नहीं है। जागृत में आने पे जो कह रहा है वह स्मरण नहीं है, क्योंकि कालादि का व्यवधान नहीं है, अज्ञान तो अभी भी है, अज्ञान अभी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए एक पक्ष वहां यह दिया गया कि वह स्मरण नहीं है। हाँ वो तो हाँ तो वही, इसलिए वो एक पक्ष, कई पक्ष लेके विचार किए वार्तिक में। तो यहाँ पे वो स्मरण जो दे रहे टीका में कि वो स्मरण है क्योंकि मैंने कुछ नहीं जाना, जैसे वो मेरी माता थी इसी प्रकार उस समय मैंने कुछ नहीं जाना, ये स्मरण कर रहा है, स्मृति है, अनुभव नहीं है। क्यों अनुभव नहीं है, स्मरण क्यों कहोगे? तत्कारण से इंद्रिय सन्निकर्ष व्याप्ति लिंगादेर अभाव, क्योंकि जो प्रत्यक्ष अनुभव का कारण है इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय थी क्या वहां पे? नहीं थी। व्याप्ति ज्ञान था क्या? अनुमान भी नहीं कह सकते। शब्द ज्ञान था क्या? शब्द बोध भी नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने कुछ नहीं जाना या जो अभी कह रहा है पूर्व के अज्ञान का स्मरण कर रहा है वह अनुभव आदि नहीं है। उसके साथ में जो उस अज्ञान के साथ में अभी इंद्रिय सन्निकर्ष आदि नहीं है, अभी नहीं है इस काल में, उस अज्ञान के साथ सन्निकर्ष नहीं है। जैसे आप बैठे बैठे कोई दूर में बैठा है तो उसका स्मरण करते हैं, तो उसके साथ हमारा इंद्रिय सन्निकर्ष आदि नहीं है, इसलिए उसको अनुभव नहीं कह सकते, स्मरण ही कहना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, स्मरण है, ततः किम, इससे क्या सिद्ध हो गया? तो तत्रा इस विषय में बता रहे साच, वो जो स्मृति है अवबुद्ध विषया, अवबुद्ध ज्ञात विषय की होती है, अवबुद्धम अवबुद्धो विषयो यस्या, कोई भी स्मरण है उसका पहले अनुभव हुआ है तभी स्मरण होता है। तो साच स्मृति अवबुद्ध विषया, यानी अवबुद्धो अनुभूतो विषयो यस्या, जिसका विषय ज्ञात है सा तथोक्ता, वह स्मृति हो गई अवबुद्ध विषय, क्योंकि व्याप्ति भी देखी गई, या स्मृति सा अनुभव पूर्विका इति व्याप्ति लोके दृष्टा, जो स्मृति है वह कैसी होती है? अनुभव पूर्वक होती है, अनुभव पूर्विका, अनुभव हुआ है तभी स्मरण होता है। इसलिए जागृत में जब हम सुसुप्त के सुसुप्ति काल के अज्ञान का स्मरण कर रहे हैं, मतलब सुषुप्ति काल में भी अज्ञान का ज्ञान हुआ था, अनुभव हुआ था, वह अनुभव साक्षी ज्ञान है, साक्षी के द्वारा बोध हुआ है, अविद्या वृत्ति के द्वारा अज्ञान का अनुभव हुआ है, और अविद्या के संस्कार जो है अंतःकरण में भी आते हैं, इसलिए उसका हमें स्मरण हो जाता है संस्कार, क्योंकि स्मरण तो कभी भी संस्कार से होगा ना, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। तो साक्षी को जो बोध हुआ सुषुप्ति अवस्था में अविद्या वृत्ति के द्वारा अज्ञान का अनुभव किया साक्षी, उस जो है
अज्ञान के संस्कार फिर अंतःकरण में आएंगे, क्योंकि अंतःकरण अज्ञान का ही कार्य है, इसलिए जागृत में स्मरण होता है। तथोपि किम तत्र अवबुद्धम, इससे क्या सिद्ध हुआ? आपने व्याप्ति दिखा दी कि जो कोई भी स्मृति होती है अनुभव पूर्वक होती है, अनुभव हो करके स्मृति होती है, इससे क्या सिद्ध हुआ? बोले यही सिद्ध हो गया कि उस सुषुप्ति काल में अज्ञान का अनुभव हुआ था, तभी स्मरण कर रहा। अवबुद्धम तत्तदा तमह, तदा यानी सुषुप्तौ तमह अवबुद्धम, ही मानना पड़ेगा, ज्ञात हुआ है, अज्ञान का ज्ञान है। तत् यानी तस्मात् कारणात्, तत्कार लेना तस्मात् कारण, इस कारण से। तत् सुषुप्तम तमह, वो जो सुषुप्ति में तम है, तदा सुषुप्तौ अवबुद्धम, तदा यानी सुषुप्ति में वह तम सुषुप्ति कालीन तम अज्ञान अवबुद्ध यानी अनुभूतम इति अवगंतव्य, अनुभव में आया था ये मानना पड़ेगा। महाराज जी, हाँ बोलिए। एक शंका ये हो रही है, जैसे जागृत से सुषुप्ति में स्वप्न में जाते हैं और फिर सुषुप्ति में जाते हैं, तो ये तो क्रम हुआ, लेकिन सुषुप्ति से फिर हम सीधा जागृत में आते हैं कि स्वप्न में तो जाते नहीं? कोई निर्धारित क्रम नहीं, ब्रह्म सूत्र में विचार आया है, सीधे जो है सुषुप्ति से जागृत में भी आ सकता है, स्वप्नावस्था से होके भी जागृत में आ सकता है, कोई निर्धारित क्रम नहीं है। हाँ, कोई निर्धारित नहीं है, सीधे भी आ सकता है, स्वप्न के माध्यम से भी आ सकता है, और स्वप्न प्रतिदिन होता है, लेकिन वो जो है स्मरण नहीं रह पाता, कुछ जो बड़ा ऐसा स्वप्न होता है उसका स्मरण रह जाता है, बाकी का नहीं हो पाता है, होता तो है ही, प्रतिदिन अवस्थाएं आती है तीनों। देखिए आगे, इति अवगंतम अत्रायम प्रयोग, यहाँ पे अनुमान के द्वारा देखिए सिद्ध कर रहे हैं। विमतम न किंचित अवेदिसम इति ज्ञानम, जो जागृत में सो करके उठने पर ज्ञान हुआ मैंने कुछ नहीं जाना, इति ज्ञानम अनुभव पूर्वकम भवितुम अर्हति, अनुभव पूर्वक होने के योग्य है, अनुभव हुआ है तभी ऐसा स्मरण हो रहा है, क्यों? स्मृतित्वात्, क्योंकि स्मृति है तो अनुभव पूर्वक होगा। सा मे माता इति स्मृतिवत, मेरी वो माता थी, ऐसा जो स्मरण करते जैसे वह स्मृति है, अनुभव पूर्वक है, पहले माता के साथ में रहा है, माता के साथ में व्यवहार किया है, अभी जो है तो अनुभव पूर्वक है जैसे, इसी प्रकार यह ज्ञान भी स्मृति होने से अनुभव पूर्वक ही मानना पड़ेगा। तब ये सिद्ध हो गया कि सुषुप्ति में भी ज्ञान हुआ है, किसका ज्ञान हो गया? ज्ञान का ज्ञान हुआ, ये सिद्ध हो गया। अब आगे देखिए, तस्यानुभवस्य स्वविषयात् अज्ञानात् भेदम् बोधांतराद अभेदम च, जैसे जागृत में दिखाती, जागृत में घट ज्ञान, पट ज्ञान, नील ज्ञान, पीत ज्ञान, पुरुष ज्ञान, पशु ज्ञान, वृक्ष ज्ञान, पुस्तक ज्ञान, सभी जो ज्ञान हो रहे, तो विषय में विचित्रता है, इसलिए विषयों में तो भेद है, किंतु ज्ञान एक रस होने से ज्ञान एक ही है, इसलिए विषय से विलक्षण है ज्ञान, ठीक है, अपने विषय से भिन्न है और पूरा एक ही है ज्ञान, ये बात दिखा दिए थे। इसी प्रकार सुषुप्ति में भी अज्ञान विषय बोध जो है ज्ञान, अपने विषय अज्ञान से भिन्न है, और बाकी ज्ञानों से क्या है, जागृत के ज्ञान और स्वप्न के ज्ञान से अभिन्न, क्योंकि ये भी ज्ञान है। इन दोनों बातों को इन दो श्लोकों में दिखाएंगे। तो तस्य अनुभवस्य, कस्य अनुभवस्य? सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान का अनुभव है, वह अनुभव स्वविषयात् अज्ञानात् भेदम, उस अनुभव का अपने विषय अज्ञान से भेद, भेदम आह, भेद को बताते हैं, बोधांतराद अभेदम च, आह के साथ च देने से यह इधर भी अनुभव हो जाएगा, भेद को दिखा रहे और अन्य ज्ञान से अभेद को दिखा रहे, क्योंकि ये भी ज्ञान है वो भी ज्ञान है, तो ज्ञान से तो अभेद हो जाएगा, लेकिन अपने विषय से भेद है, क्योंकि जागृत में भी विषय से भेद है, स्वप्न में भी विषय से भेद है ज्ञान का, इसलिए यहाँ पे भी अनुभव में विषय से भेद है और अन्य ज्ञान से अभेद भी है। इन दोनों ही बातों को दो श्लोकों में दिखा रहे हैं। सबोधो विषयाद भिन्नो, सबोधो विषयाद भिन्नो,
न बोधात् स्वप्न बोधवत् न बोधात् स्वप्न बोधवत् एवं स्थानत्रयेप्येका एवं स्थानत्रयेप्येका संवित् तद्वद्दिनान्तरे संवित् तद्वद्दिनान्तरे मासाब्दयुगकल्पेषु मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्येका नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा संविदेशा स्वयं प्रभा सबोधो विषयाद्भिन्नो न बोधात् स्वप्न बोधवत् एवं स्थानत्रयेप्येका संवित् तद्वद्दिनान्तरे मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमित्येका संविदेशा स्वयं प्रभा सबोधो विषयाद् भिन्नो। वो जो सुषुप्ति काल में अज्ञान का अनुभव हुआ वह अनुभव अपने विषय से भिन्न है ना, न बोधात् किंतु ज्ञान से भिन्न नहीं, जागृत के ज्ञान से वह ज्ञान भिन्न नहीं है, वह ज्ञान अपने विषय से भिन्न है जागृत के ज्ञान से। जैसे स्वप्न बोध, जैसे स्वप्न बोध जागृत के ज्ञान बोध से भिन्न नहीं है लेकिन अपने विषय से भिन्न है। एक दिन में देखिए तीनों अवस्थाओं का, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं में ज्ञान का क्या हो गया, अभेद, अभेद सिद्ध हो गया। एवं स्थान त्रय भी एका संवित, इस तरह से कुल मिला करके तीनों ही स्थानों में, तीनों ही अवस्थाओं में संबित क्या है, कितनी हो गई, एका संबित, एक ही ज्ञान सिद्ध हुआ। तो जैसे एक दिन में तीनों अवस्थाओं में घटा एक ही ज्ञान, तद्वत दिनांतर दूसरे दिन में भी वही घटा लो, दूसरे दिन का भी ज्ञान पूर्वकालीन पूर्व दिन के ज्ञान से अभिन्न है, तीसरे दिन का भी ज्ञान पूर्व के ज्ञान से अभिन्न है, ऐसे ऐसे घटाते 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 पक्ष मास एक महीने में एक ही ज्ञान है, अब यानी एक संवत्सर में युग, एक युग बीत गया, सौ साल बीत गया, हाँ तो उसमें भी एक ही है। अच्छा एक सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, वो युग लेना, तो युग एक युग में भी एक ही ज्ञान है। कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन जिसमें कि कितने वर्ष होते हैं, 2000 नहीं, हाँ 1000 चतुर्युगी, हाँ 1000 दिन, हाँ दिन 1000 चतुर्युगी, रात्रि 1000, तो बोला 43,20,000 वर्ष दिन हो गया, 43,20,000 रात्रि हो गई, इतने वर्ष यानी कुल मिला के 86 लाख, मतलब 86 लाख और 40,000 इतना जो है वर्ष हो जाएंगे। तो पूरा जो कल्प है ब्रह्मा जी के एक दिन, उस पूरे कल्प में कितने ज्ञान है, एक ही। तो गतागम्य से जो बीत गए, जो आगे आने वाले हैं, उन सभी में, तो इस तरह से कुल मिला के आदि से लेके अंत तक एक ही ज्ञान मानी, कुल मिला के गतागम्य से जो बीत गया और जो आगामी है, तो आगम्य से इन सभी में अनेक अनेक धा, अनेक प्रकार से जो बीत गए आने आगे आने वाले हैं, इन सभी समय में एक ही ज्ञान मानना पड़ेगा। और एक ही है तो नो देती नास्तमेत्य का, न तो उसका उदय होता है न वास्त को प्राप्त करती है। इति एति एका संविद ऐसा स्वयं प्रभा, ये जो एक संविद है सभी युगों में सभी समय में एक ही संविद है, वह स्वयं प्रकाश है, उदित भी नहीं होती अस्त भी नहीं होती, सदा एक रस है। इस तरह से ज्ञान का अभेद हो गया। देखो यहाँ बताया है कि ज्ञान का अभेद क्यों सिद्ध कर रहे, वो बता दिए थे तीसरे श्लोक का जो अवतरण आया था कि जीव ब्रह्म में एकता रूपी जो वेदांत का विषय है वह विषय संभव है, इसको दिखाने के लिए कि जीव में सत्य ज्ञान आदि रूपता, जीव ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आनंद रूप है, ये जब जीव में सिद्ध कर देंगे तो क्या ब्रह्म से अभिन्न सिद्ध हो जाए। तो जीव में ज्ञान की एक ज्ञान रूपता की सिद्धि के लिए पहले ज्ञान की एकता को सिद्ध कर, फिर अगले 8वें श्लोक में बता देंगे जो ज्ञान है यही आत्मा है, या जो संविद है वही आत्मा है, ये अगले श्लोक में दिखा देंगे। गता, 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 गता,
हाँ वो मतलब वो पाठांतरों पाठांतर है, पाठांतर है। देखो एक पाठ दे दिए गता गम्य सु, गत और आगम में जो आगे आएंगे, और तो यहाँ पे गतागामी सु, तो गत और आगामी ये पाठांतर है, भिन्न पाठ दे दिए, पाठ देखो दे दिए ना, पाठांतर शुरू में ही लिख दिए हैं, वो तो पाठांतर है। टीका में देखिए सबोध इति, सबोध यानी सौसुप्ता ज्ञानानुभवो, सुसुप्ति काल में जो अज्ञान का अनुभव है वह अज्ञान का अनुभव विषयाद अज्ञानाद भिन्न, वह अपने विषय अज्ञान से क्या है भिन्न, यानी पृथक भवितुम अर्हति, उसका उसका अपने विषय अज्ञान से भिन्न, क्योंकि अज्ञान का ज्ञान है उसका विषय, जैसे घट का ज्ञान है तो उसका विषय कौन है घट, अज्ञान का ज्ञान है तो उसका विषय अज्ञान है, तो सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान का अनुभव अपने विषय अज्ञान से पृथक होने के योग्य है, क्यों बोधत्वात्, क्योंकि वो बोध रूप है, घट बोध हुआ जैसे घट का बोध, घट का बोध किससे भिन्न है, अज्ञान से नहीं घट से भिन्न है, अपने विषय से भिन्न है ना, एक मतलब व्याप्ति क्या होगी, यत्र यत्र बोधत्वम तत्र तत्र विषयाद भिन्नत्व, जो जो बोध है अपने अपने विषय से भिन्न है, जैसे घट का ज्ञान घट, क्योंकि घट पट सब बदलते रहते, ज्ञान तो एक ही है, तो विषय में विचित्रता होने से विषय से अलग है ज्ञान, लेकिन बोधांतरात न भिद्यते, लेकिन वही ज्ञान दूसरे बोध, देखो एक दूसरा अनुमान हो गया, ये दूसरा अनुमान सा एक साथ में दे दे रहे, दूसरा अनुमान पक्ष, क्योंकि पक्ष वही है ना कि सौसुप्ता ज्ञानानुभवो सौसुप्त ज्ञान बोधः बोधांतरात न भिद्यते, कस्मात बोधत्वात स्वप्न बोधवत, जहाँ जहाँ बोधत्व है वहाँ अन्य बोध से भेद नहीं है, जैसे स्वप्न का बोध जागृत बोध से भिन्न नहीं है, ये पहले सिद्ध कर चुके हैं, इसी प्रकार सुसुप्ति कालीन जो बोध है उसमें भी बोधत्व हेतु रहेगा, मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है तो बोध में बोधत्व रहेगा, बोधत्व हेतु रहने से वह अन्य बोध से भिन्न नहीं है। तो फलितम कथयन, फलित क्या फलित हुआ है, मतलब आप बताना क्या चाहते हो, तो बताना यही चाहते हैं कि हर समय ज्ञान एक ही है, ज्ञान की एकता को सिद्ध कर रहे हैं एवं इत्यादि न, फलितम यानी उक्त न्यायम अन्यत्रापि अतिदिशति, फलित जो हुआ कि एक दिन में तीनों अवस्थाओं में एक ही ज्ञान है, इसी न्याय को इसी युक्ति को इसी नियम को अन्य अन्य सभी दिनों में भी लगा लेना, अतिदेश कर दे रहे हैं एवं इत्यादि न, एवं स्थान त्रय पेका संवित, इसी प्रकार तो तीनों स्थानों में तीनों अवस्थाओं में संवित एक ही है, इसी प्रकार तद्वत दिनांतर एवं इत्यादि न, देखिए स्थान त्रय पी एक दिन वर्तिनी जागृत आदि अवस्था त्रय पी, एक दिन में होने वाले जो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में संवित एकैव, संवित तो एक ही है तो एका, देखो वहां तो आया संवित एका, एका संवित तो आ एका मतलब एका एव, एव का अध्याय कर लेना, क्योंकि क्या न्याय है सर्वम वाक्यम सावधारण, सर्वम वाक्यम सावधारण में न्याय है, एका मतलब एका ही है, जैसे कोई कहे कि भाई आपके पास कितने पुत्र है, एक है, एक है मतलब एक ही है, देवदत्तो गच्छति, गच्छति मतलब गच्छते वह बैठ जाएगा तो गच्छति थोड़ी कहेंगे, इस सर्वम वाक्यम सावधारण में न्याय है, तो जो है एक ही है, एक मतलब एक ही है, तो वह सावधारण में से न्याय से सभी वाक्य सावधारण होते हैं, अवधारण से निश्चय के साथ युक्त होते हैं, निश्चय से युक्त होते इसलिए एक ही है, तीन न्याय, तद्वत दिनांतरित, एक दिन में जो घटा लिए अब दूसरे दिन में भी घटाओ, यथा एकस्मिन दिवसे अवस्थात्रयेपि ज्ञानस्य अभेद, एक ही दिन में तीनों अवस्थाओं में ज्ञान के अभेद की सिद्धि की गई, एवं अन्यस्मिन अपि दिवसे, ऐसे अब दूसरे दिन की तरफ बढ़ी, बढ़ना मतलब चिंतन के माध्यम से बढ़ोगे ना कि कल आने पे विचार करोगे, ऐसे कितने कितना समय तक तो नहीं हो पाएगा ना, वो तो बुद्धि के द्वारा से करना है, एवं अन्यस्मिन अपि दिवसे अनेकधा यानी अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से जो समय बीत गया, मास बीत गया, कल्प बीत गया, गतागम्येषु
अतीत आगामी सु गत यानी जो बीत गया, आगम में, आगम में जो आने वाला आगंतुम योग्य आगम में आने वाला है जो, यानी अतीत आगामी सु गत यानी अतीत आगम में, आगम में यानी आगामी, इनमें मास कौन कौन, मास ले लीजिए पहले, मास कौन है, चैत्रादिशु 12 महीने हैं, अब्द जो है अब्देशु प्रभाव आदि 60 अब्द होते हैं, वो 60 जो है घूमते रहते हैं प्रभाव विभव, अभी कौन सा चल रहा है अब्द प्रमादि, प्रमादि नाम है, आगे आने वाला राक्षस, अगला जो आ रहा है वो राक्षस संवत्सर है। तो अब्देशु प्रभाव आदिशु, और युग जो है कृत आदि, कृत युग, इसके बाद त्रेता, इसके बाद द्वापर, फिर कलियुग, कलियुग युगेशु कृतादिशु, कल्प जो है ब्राह्मादिशु, ब्राह्म ब्राह्म प्राजापत्य ये सब जो अनेक कल्प है ब्राह्मादिशु, जो ज्ञान से अभेद, इन सभी में छोटे से लेके बड़े काल तक, काल तो ऐसे एक ही है लेकिन उसमें मतलब हम लोग अपनी सुविधा के लिए इतना जो है बना ली है, ज्योतिष शास्त्र बन गया तो इसलिए उसका व्यवहार के लिए ये सब भेद हो जाता है, कल्पना हो जाती है, सूर्य की गति को लेकर के भेद। बताओ काल में कोई अंतर दिख रहा है क्या, सूर्य की गति का गमनागमन दिन रात आदि को लेकर के भेद हमने कर लिया है, लेकिन काल तो एक रस है ना, एक रस हो गया, इसलिए वो कह दिए, वो इन्होंने कहा ना, कालो न यातो वैराग्य शतक में, कालो न यातो वयोमेव याता, काल नहीं बीता, हम लोग ही बीत गए, काल कहाँ बीत रहा है, हम लोग ही बीत जा रहे, बूढ़े हो गए, जैसे बाल सफ़ेद हो गया कोई, एकदम बूढ़ा हो गया 80 साल के ऊपर हो गया, बोले अब तो मेरा जाने का समय आ गया, तो ऐसा मतलब ये काल एक ही है, उसमें इतने भेद कर लिया गया, इन सभी में सभी काल में ज्ञान से अभेदा एव, ज्ञान का अभेद ही है। संविदा एकत्व समर्थने फलम, ज्ञान में एकता का समर्थन करने से क्या फल मिला भाई, तो बोले कि ज्ञान में एकता से किसे यही फल मिला कि जो संबित है एक ही है, इसका उदय नहीं होता, नाश नहीं होता, कभी छेड़ नहीं होता, एक जैसी एक रस रहती है, यथा संबित एका अतो नो देती, मतलब नोत्पद देती, क्योंकि संबित एक ही इसलिए उदित नहीं होती, मतलब उत्पन्न नहीं होती, नास्तमेति न अस्तमेति यानी न विनश्यति च, अस्त यानी विनाश को नहीं प्राप्त करती, असाक्षी कयोर उत्पत्ति विनाशयोर असिद्धे, क्योंकि अगर संवित की उत्पत्ति और विनाश को मानोगे तो उसमें पूछा जाएगा क्या, प्रमाण देना पड़ेगा, अगर आप किसी की उत्पत्ति को बता रहे हैं को इसकी उत्पत्ति हुई, हाँ तो क्या कोई क्या पूछेगा, प्रमाण दो कहाँ उत्पत्ति हुई, क्या किसको ज्ञान हुआ है, बजर लाओ सामने, तो अगर ज्ञान की उत्पत्ति और विनाश को अगर मान रहे हो तो कोई न कोई तो साक्षी चाहिए, प्रमाण चाहिए, असाक्षी कयोर उत्पत्ति विनाश और असिद्धे है, जो बिना साक्षी वाले जो उत्पत्ति और विनाश है उसकी सिद्धि होती है क्या, देखो इसका क्या विग्रह दोगे, असाक्षी कयो का अविद्यमान साक्षी योर उत्पत्ति विनाशयो, त उत्पत्ति विनाशो असाक्षी कौ तयो, जिनका कोई साक्षी नहीं है, भाई कोई भी चीज होती है कोई न कोई साक्षी चाहिए तभी वस्तु को माना जाए, तो ज्ञान की उत्पत्ति हो रही विनाश हो रहा है इसका क्या साक्षी है बताओ, कोई साक्षी है क्या, तो जब असाक्षिक है उत्पत्ति और विनाश तो उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, केवल बोल देने से नहीं, प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धिर्भवत, प्रतिज्ञा कर लेने मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती, ऐसा तो कोई कुछ भी कह देगा, कोई कह देगा कि गाय का दूध मैंने काला भी होते देखा है, अथवा कई दूसरा बोल देगा मैंने तो एक मनुष्य के सिर पे श्रृंग देखा है, बोले नहीं नहीं मनुष्य के सिर पे श्रृंग कहाँ होता है, बोले नहीं नहीं यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं तो कई देशों में गया हूँ ना इसलिए मनुष्य के सिर पे श्रृंग देखा, तो ऐसा नहीं, प्रतिज्ञा मात्र से नहीं उसको जो है बताना पड़ेगा, तो असाक्षिक जो उत्पत्ति विनाश उसकी सिद्धि नहीं होती, इसलिए सोत्पत्ति विनाश तया फिर बोले वही उसी संबित के द्वारा ग्रहण हो जाए, बोले नहीं स्व के द्वारा स्व की उत्पत्ति और विनाश का ग्रहण नहीं होता, स्वोत्पत्ति विनाशयोस तयायो संविदा ग्रहितुम अशक्यत्वात्, स्व की यानी ज्ञान की जो उत्पत्ति है ज्ञान का विनाश उसी ज्ञान के द्वारा ग्रहण होगा क्या, नहीं हो सकता, अशक्यत्वात्,
संविदन, फिर बोले दूसरे ज्ञान के द्वारा, तो दूसरा ज्ञान तो है ही नहीं, एक ही तो ज्ञान है संविदंतरा भावाच्य, दूसरा संविद, दूसरी संविद तो है ही नहीं। इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति और विनाश की सिद्धि होगी नहीं होगी, संविद एक ही है, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, ज्ञान का विनाश नहीं। ननु संविदंतरा भावे ग्राहका भावात्, बोले जब दूसरा ज्ञान नहीं है, ये पहले वाले ज्ञान का ग्राहक नहीं है, पहले ज्ञान वाले ज्ञान, पहले वाले ज्ञान की सिद्धि कौन करेगा, इसका कोई ना कोई ग्राहक और ग्रहण करने वाला होना चाहिए ना, जानने वाला होना चाहिए। जब दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, तो पहले ये जो पहला ज्ञान है इसका कोई ग्राहक हुआ नहीं, ग्रहण करने वाला जानने वाला हुआ नहीं, और अस्यापि अभाने, इस ज्ञान का भी जब भान नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्व के द्वारा स्व का भान नहीं होगा, दूसरा कोई ज्ञान है नहीं तो ग्राहक नहीं हुआ, इस संबित का भान नहीं होगा, तब तो जगदान्ध्यम प्रसज्जेत, जगत में क्या हो जाएगा, आंध्य, कोई कुछ जो है सब जड़ हो गया, कोई कुछ जानेगा ही नहीं। इत्यतः बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, यह जो संविद है, ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, इसको जानने के लिए किसी दूसरे की, जैसे सूर्य को देखने के लिए कोई दूसरा प्रकाश लाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए यह स्वयं प्रकाश है, यानी अवेद्य, स्वयं प्रकाश मतलब अवेद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व स्वयं प्रकाशत्व, जो ज्ञान का विषय न बने तो भी जिसका अपरोक्ष व्यवहार हो, अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता हो, मैं हूँ ऐसा हो, ज्ञान होता है अंधेरे में हो, उजाला हो, कभी भी हो, तो देखो हम ज्ञान के विषय नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं कहेगा, किसी को तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसको जानने वाला कौन, आत्मा को कौन जान सकता है, तो इसलिए ज्ञान का विषय नहीं बन करके भी जिसका अपरोक्ष व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं, स्वयं प्रकाश, ये ज्ञान स्वयं प्रकाश है। अत्र आयम प्रयोग, संविदंतर मतलब दूसरा ज्ञान, अरे भाई पाठांतर यानी क्या, दूसरा पाठ, मनुष्यांतर यानी दूसरा मनुष्य, हाँ इसी तरह से संविदंतर मतलब दूसरा ज्ञान नहीं है तो दूसरा वो ग्राहक नहीं होने से, चलिए ऐसा अत्रायम प्रयोग, यहाँ देखिए अनुमान प्रयोग, अनुमान के द्वारा स्वयं प्रकाशत्व की सिद्धि करे, संवित स्वयं प्रकाशा अविद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् व्यतिरेके घटवत्। देखो संवित स्वयं प्रकाश है क्योंकि अवेद्य यानी ज्ञान का विषय नहीं बनते हुए अपरोक्ष है, जो जो ज्ञान का विषय नहीं बन करके अपरोक्ष है वह क्या होता है, स्वयं प्रकाश होता है। व्याप्ति कैसे बनेगी, यत्र यत्र अवेद्यत्व सति अपरोक्षत्वम् तत्र स्वयं प्रकाशत्वम्। अब ये अन्वय व्याप्ति तो मिलेगा नहीं क्योंकि ऐसा तो ज्ञान ही है, ज्ञान तो एक ही है, दूसरा तो है नहीं, इसलिए व्यतिरिक्त व्याप्ति घटाना पड़ेगा। यत्र यत्र स्वयं प्रकाशत्वम् नास्ति, घट में, घट में देखो घट स्वयं प्रकाश नहीं, जड़ है वह अवेद्य, ज्ञान का विषय नहीं बनते हुए अपरोक्ष है क्या, वह ज्ञान का विषय है, अपरोक्ष ज्ञान का विषय बनता है, अपरोक्ष तो घट का होता है लेकिन वो ज्ञान का विषय बनता है, इसलिए घट स्वयं प्रकाश नहीं है। लेकिन यह संबित ऐसा नहीं है, संबित अवेद्य ज्ञान का विषय नहीं बनते हुए अपरोक्ष है, इसलिए संबित क्या है, स्वयं प्रकाश। न चायम विशेषणा सिद्धो हेतु, देखो हेतु देखिए, हेतु में क्या अवेद्यत्व से थे अपरोक्षत्व, अवेद्यत्व क्या है, विशेषण है, और अपरोक्षत्व क्या है, विशेष है, तो ये अवेद्यत्व पक्ष में सिद्ध नहीं होगा, है ना, पूरा हेतु रहना मतलब अगर हेतु में दो भाग ही विशेषण विशेष दोनों भाग है तो दोनों भाग पक्ष में रहना चाहिए, अगर विशेषण हिस्सा पक्ष में नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, विशेषणा सिद्ध हेतु, अवेद्यत्व अगर पक्ष में नहीं रहा तो विशेषणा सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान जो है वेद्य नहीं, वो तो वेद्य बन गया अगर ऐसा कहोगे तो, बोले नहीं है, ना चायम विशेषणा सिद्ध हेतु, यह हेतु विशेषणा सिद्ध नहीं है, क्यों, संविद स्व संवेद्यत्व कर्मकर्तृ विरोध, कर्मकर्तृत्व विरोध, क्योंकि ज्ञान में अवेद्यत्व है, अवेद्यत्व नहीं ऐसा नहीं कह सकते, ज्ञान में अवेद्यत्व नहीं मतलब वेद्यत्व है कहोगे तो किसके द्वारा वेद्य हो रहा है बताओ,
स्व के द्वारा संवेद्य कहोगे तब तो क्या दोष होगा, कर्म कर्त्री भाव विरोध। तलवार अपने आप को नहीं काटती है, अग्नि अपने को जलाता नहीं है, इसी प्रकार संवित स्व के द्वारा स्व के कैसे जानेगी। इस संवित में स्व संवेद्यत्व तो अगर मानोगे तो कर्म कर्त्री भाव विरोध होगा, और पर वेद्यत्व तो मानोगे दूसरे ज्ञान के द्वारा यह वेद्य है तो दूसरे ज्ञान को किसने जाना, तीसरे ने जाना, तीसरे ज्ञान को किसने जाना, चौथे ने जाना, अनवस्था दोष हो जाएगी। इसलिए संविद में क्या नहीं सिद्ध कर पाओगे, वेद्यत्व की सिद्धि नहीं कर पाओगे, इसलिए संविद में अवेद्यत्व है, इसलिए विशेषण रह गया, विशेषण रहने से विशेषणा सिद्ध हेतु नहीं हुआ। अतः स्वप्रकाश प्रकाशत्व भासमानाया संविदक संविदक, इसलिए जो संविद स्वप्रकाश रूप से भासमान हो रही है, स्वयं प्रकाश रूप से जिसका ज्ञान हो रहा है, वह संविद सर्वावभाषकत्व संभवा, वह सबका प्रकाशक रूप से प्रकाश सर्वावभाषकत्व उस ज्ञान में संभव है। ज्ञान सबका प्रकाशक है, ज्ञान का प्रकाशक कोई नहीं, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है। इसलिए न जगदान्ध्य प्रसंग, जो कह दे जगदान्ध्य प्रसंग हो जाएगा, जगत में जो है कुछ ज्ञान ही नहीं होगा तब तो, क्योंकि ग्राहक नहीं होने से संविद की सिद्धि नहीं हो पाएगी, तो बताया नहीं ग्राहक की जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है। इसलिए स्वयं प्रकाश होने से स्वयं ही जो है अवेद्य होते हुए अपरोक्ष व्यवहार उसका हो रहा है, उसके नहीं होने में कोई विवाद नहीं है, ज्ञान तो है, और वही ज्ञान सबका प्रकाशक होने से जगदाद्य प्रसंग नहीं है, किसी का ज्ञान ही नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। इति भावत, ये तात्पर्य। इस तरह से क्या सिद्ध कर दिए, ज्ञान जो है एक ही है, तीनों अवस्थाओं में सभी जगह एक ही है, और विषय से भेद हुआ, ज्ञान एक ही है, वह स्वयं प्रकाश है, उदय नहीं अस्त नहीं। अब ये जो ज्ञान है वही आत्मा है, तभी तभी तो सिद्ध हो पाएगा ना भाई, जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करनी है तो जीव को ज्ञान स्वरूप बताना पड़ेगा पहले, तो अभी तो ज्ञान की एकता सिद्ध किए है। अब ये जो ज्ञान है की एकता सिद्ध की, यह ज्ञान ही आत्मा है, अब इसको दिखाएंगे। भवत एवं संविदो नित्यत्व, अंधा 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 से अंधे हो जाएगा, जगत जैसे अंधे को मालूम नहीं पड़ता, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। अंधस्य भाव इति अंध्यम, अंधता अंधता, जगत में अंधता हो जाएगी, कोई कुछ जानेगा ही नहीं। चलो ठीक है, भवत एवं संविदो नित्यत्व, चलो मान लिया कि संविद यानी ज्ञान में नित्यता है, ज्ञान नित्य है मान लिया, और स्वप्रकाशत्व च, ज्ञान स्वयं प्रकाश है, उसको जानने के लिए कोई दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये हमने दोनों बातों को मान लिया। लेकिन इससे मिलेगा क्या आपको, ततः किम, इससे क्या सिद्ध होगा, आपने क्या कौन सी बड़ा तीर मार लिया, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। इत्यता, ऐसी आकांक्षा होने पर सिद्धांत ही बता रहा है कि हमारा अभीष्ट सिद्ध हो गया। क्या अभीष्ट सिद्ध हो गया, इसको दे रहे 8वें श्लोक में, इयम आत्मा परानंदः, इयम आत्मा परानंदः, परप्रेमास्पदं यतः, परप्रेमास्पदं यतः, मानभुवं हि भूयास, मानभुवं हि भूयास, मिति प्रेमात्मनीक्षते, मिति प्रेमात्मनीक्षते, इयम आत्मा परानंदः, परप्रेमास्पदं यतः, मानभुवं हि भूयास, मिति प्रेमात्मनीक्षते। देखिए ये जो इयम संवित, इयम यानी संवित स्त्रीलिंग है ना, इयम संबित आत्मा, यह ज्ञान ही आत्मा है। बोले क्यों ज्ञान आत्मा है, इसलिए आत्मा है, जैसे आत्मा नित्य है स्वयं प्रकाश है, तो ज्ञान को भी नित्य सिद्ध कर दिए कि नहीं, स्वयं प्रकाश सिद्ध कर दिए कि नहीं। आत्मा नित्य है स्वयं प्रकाश है, ज्ञान भी नित्य है स्वयं प्रकाश है, दोनों का लक्षण घट गया कि नहीं, ये दोनों लक्षण दोनों में ही हो रहा है, इसलिए यह ज्ञान ही आत्मा है। ठीक है, ज्ञान ही आत्मा है, और यह आत्मा कैसा है, परानंद परमानंद रूप है, आनंद रूपता भी सिद्ध हो गई। देखो क्यों परमानंद रूप है, परानंद रूप क्यों है, क्योंकि पर प्रेमास्पदम यत, परम स्नेह का आश्रय है, सबसे बड़ा स्नेह कहाँ पे है,
विचार किया जाए, कोई कामी पुरुष होगा कहेगा धन धन में है, लेकिन उसको अगर कहीं फंस जाए, कोई चोर लूटने लग जाए तो क्या कहेगा, अरे भाई इसको ले जाओ, मेरी जान छोड़ो। ये वैसा एक बार हुआ था, एक महात्मा जी जो है ट्रेन में जा रहे और हाथ में अंगूठी, गले में जो है चेन सब पहने हुए, मतलब आभूषण पहने हुए, तो चोर लोग डकैत लोग आ गए वहाँ ट्रेन में और उनके यहाँ पे लगा, जल्दी निकालो बाबा। वो सोने के वो पहने हुए, हाथ में भी पहने, गले में पहने हैं। कई महात्मा ऐसे होते ना, शौकीन होते बहुत, वो बार बार हर महीने ही बनवाते रहते कुछ ना कुछ। महिलाओं से भी ज़्यादा गए गुजरे वो, तो वो वैसे यहाँ पे लगा के बोला जल्दी निकालो बाबा, बोले वो तुरंत निकाल के फेंक दिए, बोले ले जाओ भाई तू मेरी जान छोड़ो। ऐसा होता है, मतलब धन को चाहने वाला धन को प्रेम कहेगा, लेकिन धन में कोई संकट आए धन को भी छोड़ देगा। कोई जो है कोई पुत्र प्रिय है, पुत्र के ऊपर पुत्र को भी छोड़ के भागने वाले, संकट पड़ा पुत्र को भी छोड़ के भाग गया, आग लग गई तो पहले अपने को बचाएगा पुत्र को बचाएगा। इसलिए और फिर कहोगे शरीर में अत्यंत प्रेम का आस्पद शरीर है, शरीर में बीमारी हो गई बोलते हैं मैं मर जाता तो ठीक था, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब कुल मिला करके जो आत्मा में प्रीति है वो निरतिशय है, बाकी विषयों में शरीर आदि में जो प्रीति है सापेक्ष प्रीति है। जब तक हमें सुख मिल रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, तब तक वहाँ पे स्नेह हमारा बना हुआ है। भाई दूसरे की क्या बात छोड़ो, शरीर में ही देख लो, वृद्ध हो जाने पे व्यक्ति परेशान रहता है, बहुत बहुत परेशान है, शरीर छुपकी नहीं छूट रहा है, कई ऐसा बोलते हैं ना, कहिए शरीर छूट जाता तो ठीक था। तो कुल मिला के वही आत्मा में ही परम प्रीति है, बाकी कहीं भी परम प्रीति नहीं है। तो यह हम आत्मा परानंद है, तो यह जो संबित यही आत्मा है, और यह आत्मा कैसा है, परमानंद स्वरूप है, क्योंकि परम स्नेह का आश्रय है इसलिए परमानंद रूप है। जो परम स्नेह का आश्रय है, जहाँ पे स्नेह कभी हट नहीं रहा है, उसे परमानंद रूप ही मानना पड़ेगा। भाई शरीर आदि में प्रेम स्नेह हट जाता है, इसलिए शरीर आदि परमानंद रूप नहीं, जो परम प्रेम का आस्पद है वही परमानंद रूप है। तो बोले इसमें क्या प्रमाण है, बोले देखो प्रमाण, मान भूयम हि भूयासम, अहम ना भूयम इति मा, मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं, अहम मा भूयम इति न, मैं नहीं रहूं ऐसा नहीं, किंतु भूयासम एव, मैं सदा बने रहूं। इस तरह की प्रीति कहाँ देखी गई, आत्मा में देखी गई। शरीर मेरा हमेशा बना रहे ऐसा हमेशा नहीं, बहुत गंभीर बीमारी में शरीर छूट जाए ऐसा कह देते, लेकिन मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं, मैं सदा बने रहूं, ये प्रीति जो है आत्मा में सभी प्राणियों की देखी गई, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक। इसलिए आत्मा परमानंद रूप है, तो परमानंद रूप सिद्ध हो गया, ज्ञान भी सिद्ध हो गया, इसलिए जीव ब्रह्म में एकता भी सिद्ध हो जाएगी। आगे आ जाएगा, हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।